Yeah. Get it. I feel invisible. Hold on. It's 100. It's 85. दोस्तों आज की इस वीडियो में सायरी वाली वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं जो आपने अभी स्क्रीन पर देखी। तो इन जो यहां पर वेरीफाई वाला ब्लू टिक था ये भी आप लगा सकते हो और इस तरह की वीडियो आपको कैसे क्या करना है सब चीज़ मैं बताने वाला हूं। तो एक भाई का कमेंट आया था इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और जिस भाई के जितने भी कमेंट है सब ने दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं एक एक करके सारी वीडियो को ले आऊँगा। दोस्तों बस आप सारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये वाली वीडियो आपको कैसे बनानी है ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा दोस्तों, आपको VN ऐप डाउनलोड करना होगा। आपको यहाँ पर दो ऐप की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, एक तो VN ऐप यहाँ पर आ चुका आप देख सकते हो और जो दूसरा ऐप है वो है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो PixArt। तो आपको लिख देना है ये जो सबसे ऊपर ऐप आएगा इसको डाउनलोड कर लेना। तो मुझे यहाँ पर पहले से दोनों को डाउनलोड कर रखा है, ये VN है दोस्तों और ये PixArt। तो इन दोनों को डाउनलोड करने के बाद अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, अपनी कोई एक वीडियो शूट कर लेनी है जिस पर आप यहाँ पर शायरी लिखना चाहते हो या फिर अगर आप किसी स्टेटस पर यह शायरी लगाना चाहते हो वो आपके मोबाइल में होनी चाहिए। तो दोस्तों मुझे पहले से डाउनलोड कर रखी है और फिर आपको चाहिए एक शायरी, तो शायरी आपको कहाँ से लेनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना नेट ऑन कर लेना और गूगल पे आ जाना है। आपको जैसी भी शायरी चाहिए आपको यहाँ पर टैप कर देना दोस्तों। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों एटीट्यूड शायरी, आपको जैसी भी सैड या कैसी भी आपको चाहिए यहाँ पर आप लिख सकते हो। जो सबसे ऊपर साइट आएगी आपको उस पर क्लिक कर देना है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी शायरी आ जाएंगी, आप देख सकते हो यहाँ से शुरू हो चुकी है दोस्तों, आप देख सकते हो। ये देखो दोस्तों यहाँ पर आप कॉपी भी कर सकते हो, तो जौन सी भी आपको शायरी चाहिए उसको कॉपी कर लेते हैं। तो हम ये सबसे ऊपर है दोस्तों, इसको ही कॉपी यहाँ से कर लेते हैं, आप देख सकते हो ये कॉपी कर लिया दोस्तों ऊपर से। अब आपको आ जाना है बैक आ जाने के बाद अब आपको जाना है दोस्तों जो PixArt ऐप है आपको जाना है इसमें, आपको इसमें अपना जो ब्लू टिक है वो लगाना है और अपना ये शायरी आपको लिखना है, फिर बाकी की एडिटिंग आपको VN में करनी है दोस्तों। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और एडिट ए फोटो पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो अब आपको क्या काम करना है, ऊपर लिखा है बैकग्राउंड वहाँ पर क्लिक करना है और ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड आ जाएगा, अब आप देख सकते हो दोस्तों। तो अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पर नीचे लिखा है दोस्तों टेस्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना, जो आपने कॉपी की थी यहाँ पर आपको उनको पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर उन्हें पेस्ट कर देता हूँ दोस्तों, ये रही। तो अब आपको क्या काम करना है, ये जो इनका कोमा है दोस्तों ये आपको ऊपर ले वाला हटा देना है अगर आपके में भी हो तो इस तरह। अब यहाँ पर लोगो जहाँ पर लिखा है दूसरी लाइन है तो इसको इस तरह आपको कट करना है, ऊपर की ओर चली जाएगी, फिर स्पेस आपको दे देना है। अब फिर से जो नीचे वाली लाइन है इसको आपको ऊपर में मिला देना है एक बार, इस तरह आप देख सकते हो ये मिल चुकी है, फिर आपको स्पेस दे देना है। अब आपको राइट वाले चिन्ह पर क्लिक कर देना, जो ये शायरी है दोस्तों ये दो लाइन में हो जाएगी, अब आप देख सकते हो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर इस तरह आपको खींच देना, अब ये दो लाइन में हो चुकी है, अब आपकी शायरी यहाँ पर लिख चुकी है। अब आपको अपना DP और वो वेरीफाई चिन्ह आपको कैसे लगाना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐड फोटो पे क्लिक करना है दोस्तों और आपको अपना यहाँ से वो फ़ोटो लेना है जो आपका इंस्टाग्राम DP में लगा है। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर ये फ़ोटो ले लेता हूँ। तो ऊपर ऐड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लास्ट में सेव का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर सेव वाले पर यह गोल सर्कल वाला सिलेक्ट करना है और इसको बड़ा कर लेना है कुछ इस तरह, जहाँ तक आप इसको रखना चाहते हो वहाँ पर इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेना है और ऊपर राइट वाले चिन्ह पर टैप कर देना है। तो आपके यहाँ पर फोटो भी आ जाएगा, इसको छोटा करना कुछ इस तरह और फिर दोनों उंगली से जूम करके आप ठीक इसके ऊपर यहाँ पर रख देना दोस्तों, आप देख सकते हो थोड़ा बड़ा सा हो जाएगा, आप देख सकते हो। फिर आपको क्या काम करना वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों फ़ोटो हमें रख दिया, अब आपको अपना यूज़र नेम यहाँ पर लिख देना, टेस्ट पे क्लिक करना फिर से और अब आपको जो आपका नाम है दोस्तों इंस्टाग्राम पर वो आपको लिख देना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ VN वीडियो एडिटर, तो ऊपर राइट वाले चिन्ह पर क्लिक कर देना और यहाँ पर नीचे इसका फ़ॉन्ट आपको चेंज कर देना, आप देख सकते हो। तो इसको आपको रख देना है यहाँ पर, तो मैं इसको सही से सेट कर लेता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर नाम मुझे सेट कर लिया है, इसको आपको बिल्कुल सीधा यहाँ पर रखना, जो फ़ोटो आपको थोड़ा सा बड़ा और कर लेना दोस्तों, आपको अपने हिसाब से सेट कर लेना है और यहाँ पर इसको अच्छी तरह से आपको लगा देना है। अब आपका जो यूज़र नेम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, टेस्ट पे क्लिक करना, आपको आगे @ लगा देना है दोस्तों और यहाँ पर आपको अपनी जो आइडिया उसका नाम दे देना है। तो यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, आपको अपना यूज़र नेम लिख देना है दोस्तों और राइट वाले चिन्ह पे क्लिक करना और इसको भी आपको उसके नीचे ऐड कर देना है। अब आपको इसके बाद आपको ब्लू टिक ऐड करना, वो कैसे करना वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐड कर लेते हैं दोस्तों।
तो यहाँ पर नाम ऐड कर दिया। अब आपको ब्लू टिक ऐड करना है, वो कैसे करना है तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा यूजर नेम था वो लिख चुका है, आपको अच्छी तरह से इसको सेट कर लेना है, आप देख सकते हो। अब आपको ब्लू टिक इसमें ऐड करना है, तो वो कैसे करना है, नीचे स्टिकर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप कर देना, और टैप करने के बाद यहाँ पर ब्लू टिक आपको सर्च कर देना, मुझे पहले से ही लिख दिया था दोस्तों, यहाँ पर सर्च वाले आइकन पर क्लिक करके आपको लिख देना है ब्लू टिक। यहाँ पर ब्लू टिक लिख के आपको सर्च कर देना है, यहाँ पर बहुत सारे आ जाएंगे दोस्तों, आप देख सकते हो। अब आपको क्या काम करना है, जो भी आपको ब्लू टिक अच्छा लगता है वो आपको सेलेक्ट कर लें, तो यहाँ पर मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको आपको रख देना है यहाँ पर इसके आगे जहाँ पर आपको रखना है। अब आप देख सकते हो जो इसके नीचे यहाँ पर राइट वाला चीन है दोस्तों, ये तो ये यहाँ पर ब्लैक है, तो इसको वाइट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको आपको एक बार अच्छी तरह से ऐड कर लेना है यहाँ पर, फिर आपको ऐड फोटो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप कर देना, और यहाँ से आपको वाइट कलर का बैकग्राउंड ले लेना है दोस्तों। बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और कलर वाले पर, और यहाँ पर इसको सेट कर लेना जैसा कलर आपको चाहिए, तो आपको वाइट कलर इसमें ऐड कर लेना है, और ऊपर ऐड के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, शेप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, और यहाँ पर अब आपको मिलेगा दोस्तों शेप वाला ऑप्शन, और यहाँ से आपको यहाँ पर जो गोल वाला है ये वाला सेलेक्ट कर लेना, और ऊपर राइट वाले चिन्ह पर क्लिक कर देना है। तो ये काम करने के बाद आपको ठीक इसके ऊपर यहाँ पर दोस्तों इसको रख देना है, और फिर आपको ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर इसको मूव डाउन कर देना है, तो इसको आपको छोटा कर देना है यहाँ पर, आप देख सकते हो दोनों हाथों से इस तरह जूम करके दोस्तों इसको आपको छोटा कर देना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों अब ये टिक बिल्कुल वाइट हो चुका है। तो अब आपको इस फोटो को कर लेना है गैलरी में सेव, ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन है उस पर आपको टैप करना पड़ेगा, जैसे ही आप टैप करोगे ये फोटो आ जाएगा आपका गैलरी में, तो आप देख सकते हो दोस्तों फोटो आ चुका है आपका गैलरी में। अब आपको जाना है बैक, अब आपको जाना है VN ऐप के अंदर दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, VN ऐप के अंदर आपको जाना है और अपनी उस वीडियो को सिलेक्ट करना है जिस वीडियो पर आप ये इफेक्ट ये शायरी ऐड करना चाहते हो, और फिर आपको इसके ऊपर ये शायरी ऐड कर देनी है। तो कैसे क्या करना है सब बताने वाला हूँ, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना, जैसे ही VN ऐप खुल जाएगा और न्यू प्रोजेक्ट पर उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना जिस पे आप ये शायरी लगाना चाहते हो। तो ये वाली वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों आपको बताने के लिए, और नीचे एरो वाले आइकन पर क्लिक कर देना आपको, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी वीडियो प्रोसेसिंग होने लगेगी, और फिर आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो प्रोसेसिंग हो चुकी है और यहाँ पर आ जाएगी आपकी वीडियो प्रोसेसिंग होकर, आप देख सकते हो एक बार आप इसको प्ले करके देख सकते हो दोस्तों, कुछ ऐसी वीडियो है। इसके लास्ट में आपका ब्लैक बैकग्राउंड आएगा उसको कट कर देना दोस्तों, और अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखा है टैप टू ऐड स्टिकर, इस पर आपको टैप करना है वीडियो और फोटो पर, जो फोटो आपने पिक्सआर्ट से डाउनलोड किया था वो यहाँ पर आ चुका है, तो वो आप यहाँ पर ले लेना आपको। और यहाँ पर आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है दोस्तों क्रॉप का, क्रॉप पर क्लिक करना, और यहाँ पर आप देख सकते हो क्रॉप वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको लास्ट में जाना है, यहाँ पर 21.9 लिखा है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरा फ़ोटो है वो उल्टा हो चुका है, यहाँ पर मिरर वाले पर उंगली लग चुकी थी दोस्तों, आप देख सकते हो, तो हमारा अब बिल्कुल सेट हो चुका है। आपको फिर से क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको एक बार थोड़ा सा जूम और कर लेना दोस्तों कुछ इस तरह, तो अब जूम हो चुका है, राइट वाले चिन्ह पे आपको सेट कर लेना है। तो अब हमारी शायरी आ चुकी है, अब आपको इसमें बॉर्डर ऐड कर देना है दोस्तों, यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है, इसमें आपको वाइट कलर का बॉर्डर ऐड कर देना है, आप देख सकते हो, और इसका आपको यहाँ पर थोड़ा 2 या 4 आपको यहाँ पर रख देना है, राइट वाले चिन्ह पर क्लिक कर देना है, तो इसको आपको आगे की ओर मिला देना है। अब आप देख सकते हो शायरी आपकी ऐड हो चुकी है, और जहाँ जितना बड़ा आप या छोटा करना चाहते हो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो, आप देख सकते हो, तो मैं यहाँ पर ही ऐड कर देता हूँ, और जितना आपका वीडियो है इतना ही आपको इसको कर देना है यहाँ पर। तो मुझे फुल कर लिया है दोस्तों, अब आपका शायरी वीडियो बिल्कुल कंप्लीट बन चुका है। और दोस्तों ऊपर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और राइट वाले चिन्ह पर क्लिक करते ही वीडियो आ जाएगी आपकी गैलरी में।